हेलो गाइस, दिस इज़ शादान खान। और आज की न्यूज़ बहुत ही बेहतर है उन लोगों के लिए जो एसएससी जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। जी हाँ, इस फॉर्म की एक बेहतरीन चीज़ निकल के आई है जानकारी, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं कर देता हूँ कि एसएससी जीडी में 54,000 के आसपास के पद हैं। तो 54,000 के आसपास के पद हैं जिन्हें उन्हें 10 गुना लौंडे सिलेक्ट करने हैं। कब? जब एग्जामिनेशन कंप्लीट हो, यानी कि लगभग लेस देन उन्हें लौंडे सेलेक्ट करना है लगभग 5.5 लाख। ठीक है, 5.5 लाख के आसपास उनको बच्चे जो है वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, 5.5 लाख के आसपास बच्चे सब सिलेक्ट करने हैं। तो उसका मतलब जो इस समय की कंडीशन के हिसाब से अभी लगभग 17 लाख फॉर्म पहुंच चुका है। ठीक है, 17 लाख फॉर्म पहुंच चुका है। ठीक है, लेकिन एक जानकारी के हिसाब से 30 सितंबर तक लगभग 18 लाख फॉर्म लेस देन मान के चल रहा है, लगभग पहुँचेगा। ठीक है, इससे अतिरिक्त नहीं हो पाएगा। तो 18 लाख फॉर्म पहुँचेगा, जिसमें अगर हम 18 लाख को एक सिंपल वेरिएशन मान के 18 लाख को जो हम समझ लो लगभग 5.5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से ही मान लो लगभग डिवाइड करते हैं, तो 5 में 5 10 15, यानी कि लगभग एक बच्चे, मतलब हर चार बच्चों में से उनको एक बच्चा चाहिए होगा। ठीक है, कब? एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्योंकि उन्हें पहले भी बता चुके हैं कि जितनी भी वैकेंसी है उससे 10 गुने ज़्यादा लिए जाएंगे एग्ज़ामिनेशन में, फिर बाद में उसमें छटनी की जाएगी। सबसे पहली वेरिएशन तो ये निकल गया। फॉर्म की एग्जामिनेशन लगाई थी लोगों ने लगभग 40 लाख फॉर्म, या फिर कम से कम 35 लाख फॉर्म पड़ेगा। लेकिन ये आंकड़ा इतना कम क्यों हुआ है? इसका भी कारण ये है कि एज जो है वो केवल जनरल के लिए 23 साल रखी गई है, और सबसे मेन चीज़ होती है 170 सेंटीमीटर जो लंबाई होती है वो हर व्यक्ति की नहीं होती है। और बताया जाए, क्योंकि हर स्टेट में जितनी भी स्टेट वाइज थी उसमें कॉन्स्टेबल पुलिस की वैकेंसी आ चुकी, तो लौंडे जो है छट चुके हैं, इसलिए कम फॉर्म पड़ा है। और सबसे मेन चीज़, नई वेबसाइट SSC की, जो नई वेबसाइट थी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, उसमें फॉर्म भरना समझ लो लोहे के चने चबाने जैसा ही था, तो इस ये भी एक दिक्कत वहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो इस पूरी वेरिएशन के बाद फॉर्म SSC ने जितना सोचा था उसके लगभग आधा पड़ा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरिट कितने पर रहेगी इसके बाद, अब मेरिट कितने पर रहेगी इतना कम फॉर्म पड़ने के बाद। अब जब आपको पहले जो एग्जामिनेशन के लिए कॉल आएगा वो तो आएगा, एग्जामिनेशन का जिसको जो एग्जामिनेशन पास होगा उसके लिए मेरिट मैं बता सकता हूँ यहाँ पर। SC के लिए मेरिट ST के लिए यहाँ पर मेरिट रहने वाला लगभग 40 से 45 के अराउंड यही रहेगा, इसके अतिरिक्त नहीं जा सकता। बात करता हूँ मैं SSC शेड्यूल कास्ट की, तो यहाँ पर मेरिट रहने वाला है लगभग, मान लेता हूँ मैं 43 से लेकर 48 के बीच रहेगी, इसके अतिरिक्त नहीं जाने वाली। मैं बात कर देता हूँ यहाँ पर OBC की, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट। ओके, इसकी मेरिट जो मेरे हिसाब से रहने वाली है वो रहने वाली है लगभग 48 से लेकर 55 के अराउंड, इसके अतिरिक्त इसमें आपका अगर नंबर इतना है तो आपका सिलेक्ट होगा। जनरल की बात कर लेता हूँ मैं, जनरल की मेरिट यहाँ पर रहने वाली है 53 लगभग मेरे हिसाब से 60 के अराउंड, इसके बीच ही रहेगी मेरिट, इससे ऊपर नहीं जाना है क्योंकि फॉर्म ही इतना कम आया है। ठीक है, तो इतनी मेरिट आपकी रहनी है फॉर द क्वालिफाइंग नेचर इन एग्जामिनेशन ओनली। फिर उसके बाद आपकी जो फिजिकल होगा, PFT होगा, फिजिकल एफिडेंटी टेस्ट होगा, प्लस आपका मेडिकल होगा, इन सब के बाद आपकी फाइनल मेरिट भी बनेगी। उस फाइनल मेरिट को उसके आधार पर बनाया जाएगा जितने बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये जानकारी थी जो मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ ये बात आप ध्यान रखिए कि इतना बड़ा कंप्लीट होने वाला था, अब उतना बड़ा रह नहीं गया क्योंकि फॉर्म कम पहुँचा है, लगभग 18 लाख के आसपास फॉर्म पहुँचा है, इसके अराउंड ही पहुँचा। ठीक है, 18 लाख के अराउंड, तो आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि 18 लाख के आसपास फॉर्म पहुँचा है, हर चार बच्चों में से एक उन्हें सिलेक्ट करना है फॉर द बेसिस ऑफ फॉर्म। ठीक है, उन्हें चार बच्चे चाहिए क्योंकि 5 लाख उनको क्वालिफाइड नेचर के चाहिए ही चाहिए हैं एग्ज़ाम के लिए, उन्हें बुलाना ही है फिजिकल के लिए 5 लाख बच्चे, तो 5 लाख बहुत
ज़्यादा आंकड़ा होता है जिसमें से 54 हज़ार में सिलेक्ट करना है। वैकेंसी एक वेरिएशन के हिसाब से मैं बता दूँ कि वैकेंसी लगभग लगभग 70 हज़ार हो जाएगी, कंफर्म होगी। ये बढ़ना 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 ज़रूर है क्योंकि वैकेंसी कम आई है, पहले ये बढ़ने को थी लेकिन बाद में जैसे ALP में बढ़ाया है और बाकी जहाँ बढ़ाते रहते हैं, तो ऐसा ही फायरमैन में भी हुआ था। तो मेरे हिसाब से वैकेंसी 110% बढ़ना है, ठीक है। तो आप ये वेरिएशन लगा लीजिए कि आपके अगर 60 के अराउंड नंबर आ जाते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी थी जो मैंने आपको दी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए SSC GD से संबंधित हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए जिसकी फॉर्म इसमें पड़ा है, ठीक है। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटा बजा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। जय हिंद एंड जय भारत।